साथ में चलते हैं कदम से कदम मिलाकर। किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो आपके पुण्य है, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो आपके पाप है। आप दिन रात किसी को कोस रहे हो, आप दिन रात किसी को गाली दे रहे हो, आप दिन रात किसी को अपशब्द कह रहे हो, समझ लेना हमारे पूर्व के पाप अभी भी हमारे शरीर में रह गए, इसलिए हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा। हम उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं, हम अपशब्द कह रहे हैं, हम ताने दे रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हमारा टेढ़ा बोल रहा है, हमारे भीतर वो पाप रह गया अभी भी, हमारे भीतर वो पाप अभी भी रह गया, हमारे भीतर वो पाप कर्म अभी भी रह गया। और यदि हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म ये नहीं है कि तुम श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचो, किसी को श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचा देना भी श्रेष्ठ कर्म है। एक गांव का व्यक्ति शहर में आ गया और उसके पास में एक छोटा सा कार्ड था उसके बेटे का, वो लेके घूम रहा था। घूमते घूमते वो अदालत के सामने पहुंचा, वहीं पर एक वकील साहब केस हार के बाहर खड़े हुए थे, काला कोट पहने थे, केस हार गए थे। उन्होंने, गांव का व्यक्ति था, उसने पूछ लिया, ए भाऊ ये मेरा बेटे का एड्रेस है, बता देना मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। इतने में वकील साहब तो केस हारे हुए थे, उसको गुस्सा आ रहा था, और वकील को गुस्सा आ रहा था, केस हार के बाहर निकला था। इतने में ये उसके प्राण खाने पहुंच गया, बता देना भाई मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। वकील ने कहा, भाग यहां से। आ गया कहां से, भाग। जो वकील ने हाथ कर भगाया उसको, भाग यहां से। उस व्यक्ति को लगा कि वकील साहब ने कहा है यहां मेरा बेटा मिलेगा, वो उसी रास्ते पर चले गया जहां वकील ने हाथ करा था। पूछते 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 वहां तक गया, आगे कथा हो रही थी भगवान की, उसमें जाकर बैठ गया, कहीं शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गया। कथा चालू हो गई, कथा होने के बाद में आरती हो गई, आरती होने के बाद वह प्रणाम कर जाने लगा। जैसे बाहर निकला रोड पर, इतने में उसका बेटा गाड़ी से निकल रहा था, उसने अपने बाप को पहचान लिया, पिता को पहचान लिया, पिता को पहचान कर प्रणाम कर कहा, पिताजी आप यहाँ, बेटा भगवान भला करे वह वकील का, उसने मुझे इशारा करके बताया था कि इधर तेरा बेटा मिलेगा और तू मुझे मिल गया। अब उसको क्या मालूम कि वकील ने बेटे का एड्रेस नहीं बताया था, उसने तो भगाया था। अब 2-4 साल बाद वकील साहब निपट गए, प्राण छूट गए, ऊपर गए, चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पाप पुण्य गिनो। चित्रगुप्त महाराज ने उसके पाप पुण्य गिने तो इसने पाप ही पाप करा, कोई पुण्य करा ही नहीं। दिन भर झूठ बोलता था, दिन भर अपशब्द कहता था, दिन भर गालियां देता था, दिन भर आड़तड़ा बोलता था, तो उसको नरक के लिए भेज दिया जाए, इसने कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य एक न एक पुण्य जरूर करता है, इसने कौन सा पुण्य करा वो छाटो। चित्रगुप्त महाराज बोले, इसने कोई पुण्य करा ही नहीं, कोई पुण्य नहीं करा इसने, पुण्य नहीं करा नहीं। धर्मराज ने फाइल मंगवाई और फाइल देखना प्रारंभ करी, तब धर्मराज ने कहा, इसने एक पुण्य करा है, एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था, इसलिए इसके वो पुण्य खाते में आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, पुण्य मुण्य नहीं करा उसने, तो गांव के व्यक्ति को भगाया था, भले भगाया था, हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर ही करा था ना, तो क्या करा जाए। एक काम करो, इसने गांव के व्यक्ति को शिवपुराण का रास्ता दिखाया था, इसको वैकुंठ का रास्ता दिखा दिया जाए, बस इतना सा इसके साथ कर दिया। अब पुण्य देखिए कितना फर्क है, हमारा पाप हमारा पुण्य हमारे साथ में चलता है, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहा होता।
हमारा पाप और हमारा पुण्य हमारे साथ में चल, आप अच्छा करेंगे अच्छी जगह पहुंचेंगे। कुछ पुण्य आप यहाँ शिवपुराण की कथा में वाणी पहुंचे ना, अपने अड़ोसन पड़ोसन जानते हो ना, इधर वाली अड़ोसन, इधर वाली पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को भी बताते हुए आया करो, हम जा रहे हैं, बता के आई कि नहीं आई? अरे बोलो तो, बताया ना, हम जा रहे हैं। पप्पू जी कहाँ जा रही है? वाणी जा रहे हैं। क्यों? कथा हो रही ना, 1 बजे से 4 बजे तक शिवपुराण की कथा प्रारंभ हो रही है, 27 तारीख से 2 फरवरी तक चलेगी। अच्छा अच्छा, तो उसके मन में भी, और रोज 2 फोटो खींच के और उसके ही व्हाट्सएप पर उसी के। अब भोजन करते हुए, नाचते हुए और कथा का आनंद लेते हुए, तो उसके भी हृदय में शंकर की अविरल भक्ति धीरे 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 जागृत होगी। वो भी अपने पति से कहेगी, जी सुनो तो, क्या तो पड़ोस में रहती ना बिमला, हाँ बनी गई है कथा सुनने के लिए, अपन भी चले। इतने में पति बोलेगा, 1 दिन की छुट्टी मार के चले, इसमें क्या दिक्कत। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है। भगवान पुण्य और पाप हमारे दोनों साथ में चलते हैं। जब हमारा पुण्य प्रबल होता है तो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारा पाप प्रबल होता है तो हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। साउंड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है आज का, उसका मिठास लाइए ना भाई साउंड में। हमारे पाप और हमारे पुण्य दोनों हमारे साथ चल रहे हैं। हमारा पाप भी हमारे साथ में चल रहा है और हमारा पुण्य भी हमारे साथ में चल रहा है। पुण्य को प्रबल करिए। हमारा पुण्य जितना जितना प्रबल होगा, परमात्मा की अविरल भक्ति हमारे पास में होगी। अविरल भक्ति। अजामिल